हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक रेसिपी ग्रीस पाठक में और फेसबुक पेज बेकरी सेम में। आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो जो आपको मिक्की माउस वाली देख रही होगी, फ़ोटो है, फ़ोटो केक की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। फ़ोटो केक बनाने के लिए सबसे पहले आप पूरी शीट है तो इस तरह से चारों कोने हल्के हल्के से कट लगा लें ताकि उस साइड से आपकी फ़ोटो आराम से निकले। और उसके बाद एक पतली सी चाकू होनी चाहिए आपके पास, या तो आपके पास स्केल हो, स्केल से इस तरीके से धीरे धीरे से छुड़ा लीजिए। थोड़ी सी गर्मी के टाइम पे क्या होता है, पिघलने लगते हैं और निकालने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा 5-10 मिनट फ्रीज में रख के ठंडी कर सकते हैं आप सीट को, और उसके बाद इस तरीके से उठा लीजिए सीट को। और उसके बाद केक जो कि जिस केक के ऊपर भी लगानी है आपने, इस तरीके से उठाइए और सिंपली इस तरीके से, पर ध्यान रहेगी आपके फोटो रखते टाइम मुड़नी नहीं चाहिए। अगर मुड़ेगी तो उसी तरीके से धीरे से एक साइड से रखिए, दूसरे से पकड़े रखिए, धीरे धीरे रखिए और इस तरीके से ये केक के ऊपर इंस्टॉल कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा पूरा सिंपल वाइट में है, और केक है जो यहाँ पे केक हमारा 3 kg का केक है स्क्वायर शेप में, और साइड से मैं कुछ एक इस तरह के चॉकलेट के स्क्वायर के पीस हैं जो कटे हुए, ये लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से ज़्यादा नहीं लगा, आप चाहें तो इसमें एक के ऊपर एक अलग से भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बन जाता है आपका केक का। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो भी करें पेज को ज़्यादा से ज़्यादा। और केक आर्ट सर्च करके इंस्टा में भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पे मेरे पास 2 केक हैं, फ़ोटो केक के और एक छोटा सा क्यूट बॉय की भी थी। और यहाँ पे मैंने 3 तरह के अलग अलग पाइपिंग ले रखी है, येल्लो और चॉकलेट रफल और ब्लू। तो इस तरीके से तीनों के ड्रॉप इस तरीके से एक के बाद एक लगा रहा हूँ। तीनों में मैंने अभी यहाँ पे नोजल ले रखे हैं, तीनों में एक तो R1 है, सॉरी एक N2 है। इस तरीके से तीनों नोजल ले रखे हैं, सेम नोजल। और इसी तरीके से ऊपर भी तीनों अलग अलग तरीके से लगा रहा हूँ मैं डॉट्स। इस तरीके से सारे केक में, पूरे केक को इसी तरीके से कवर कर लूँगा मैं, और ताकि केक देखने में अच्छा लगे। और ऑर्डर पे भी कुछ इस तरीके का है, तो आपको अच्छी लगी या कैसी जो भी लगे आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट करके बताना, और पूरी वीडियो कौन कौन देखता है ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए हम इसको पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल केक कैसा बना हमारा। तो चलिए देखते हैं फाइनल केक। तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा केक था जो ये छोटे से बच्चे की फिक थी, इसमें ये केक तो हमारा स्क्वायर वाला पूरा रेडी हो चुका है। इसके भी हमने एक ब्लू की डॉट लगा लिया और उसके बाद ऑरेंज क्रीम की डॉट लगाई, इसी तरीके से पूरे साइड में भी और ऊपर भी देख सकते हैं आप। और यहाँ तक जिसने वीडियो देखी तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए, एक शेयर कर देना, आपके शेयर से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखिए ये फाइनल केक बने हमारे दोनों, और आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।